मेरा नाम अल्फा जफर है, मैं इसी क्लास में बच्ची हूँ। आज मैं आपको चांद के बारे में एक अहम मालूमात देना चाहती हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि आसमान पर चांद के पास वैसे नजर आने वाला हिस्सा चांद है। आसमान का रोजमर्रा जिंदगी में हम चांद को नई शक्ल में देखते हैं। कभी हलाल की शक्ल में नजर आता है तो कभी सुलझता है। निजाम शक्ति में 9 सितारे हैं, इनमें 2 सितारों मछली और वेनस का कोई चांद नहीं। सबसे दूसरे सितारों का अहम चांद है हमारी जमीन का एक चांद है, जबकि मार्स के 2 चांद है और जुपिटर के 16 चांद है। चांद पर जमीन से और फासला 3,04,400 है। अगर कोई शख्स के गिर चक्कर लगाए तो वो करीबन 9.5 चक्करों में फासला तय करेगा। इतना ही चांद का जमीन से फासला है। चांद का कटर 3,480 किलोमीटर है और उसका मास जमीन के मुकाबले में 21 गुना कम है। हम जानते हैं कि जमीन के गिर चांद जमीन के गिर गर्द मिदार में गति सकता है। इसकी गति कितने तुम्हारी परिवार होती है। चांद जमीन के गिर इंसान को दूसरे दिनों में मुकम्मल सकता है, क्योंकि जमीन भी गति सकती है। इससे मालूम होता है कि इंसान अपनी गति को 9.5 दिनों में मुकम्मल सकता है। जमीन की तरह चांद भी अपनी महिला के गिर गति होता है, लेकिन उसकी नावी गति इतना कम होती है। इतने हफ्ते में ये महिला के गिर जमीन के गिर घूमता है, इतने ही हफ्ते में ये महिला के गिर एक बार घूमता है। जमीन से चांद का दूसरा भी हिस्सा दिखाई नहीं देता। 1959 में चांद के गिर चक्कर लगाने वाला पहला मजबूत सितारा लियोना 3 छोड़ा गया, जिससे मालूमात हासिल हुई कि चांद का दूसरा हिस्सा भी करीबन ऐसा ही है जैसे हमें जमीन से इसका पहला हिस्सा दिखाई देता है। अब मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी कि चांद ग्रहण कैसे होता है और क्यों होता है।